मनीष कश्यप जैसे लोग बिहार के नाम पे, बिहारी के नाम पे कलंक है, संघ के एजेंट है, दलाल है मनीष कश्यप जैसे लोग। राजकुमार पासवान बिकाऊ नहीं है, टिकाऊ है। मनीष कश्यप एक छोटा सा प्यादा है आरएसएस संघ का। अरे चुन चुन के तुम्हारा एक्सपोज करूंगा मैं। वीडियो रिकॉर्डिंग रखा हुआ हूँ मैं। अभी ये 9 लाख के बेल पे आए हैं, तो सोच लीजिए कि अभी भी मामला क्लियर नहीं है, फिर से जेल में जा सकते। नमस्कार, मैं फरहत अफसर और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। देखिए, मनीष कश्यप इन दिनों जो है जेल से बाहर आ चुके हैं और बाहर आते ही लाइव करते हुए बिहार सरकार को घेरने के काम कर रहे हैं। साफ तौर पे कह रहे हैं कि अब मैं बाहर निकल चुका हूँ, अब उल्टा गिनती शुरू। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि 180 दिन का आप उल्टा गिनती स्टार्ट कर दीजिए और लगभग अब 2 दिन हो गया। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजकुमार पासवान जी है, चलिए इनसे बातचीत करते हैं। क्या कहिएगा, मनीष कश्यप अब जेल से बाहर निकल चुके हैं, अब क्या होगा आरजेडी का? ऐसे लोगों का तो भाई जेल में आना जाना चालू है, लेकिन ऐसे संघ भाजपा के एजेंट, आरएसएस का एजेंट, नागपुरी संघी दलित और हाफ निकरधारियों का आप लोग बिहार में जो चर्चा करते हैं, ये लोग क्या है साहब? कौन से आंदोलन से निकले हुए लोग हैं? जो लोग गांधी को न माने, अंबेडकर को अपना आदर्श न माने और वो कहे कि मेरा आदर्श नाथूराम गोडसे है, तो ऐसे नाथूराम गोडसे वाले लोग क्या बिहार को बदल सकते हैं? उनकी लड़ाई एक खास परिवार से है, क्या पता क्या रंजिश है। अरे भैया, दलित और गरीब शोषित वंचितों की सरकार है जो न संविधान को माने, न जो ये कहे कि न मैं संविधान को मानता हूँ, न आरक्षण को मानता हूँ, न गरीब शोषित वंचितों को, तो ये चंद मुट्ठी भर लोग क्या मनीष कश्यप जैसे बिहार की सरकार को गिरा देगा? इनकी हैसियत है? ऐसे ऐसे कीचड़, ऐसे ऐसे लोग बहुत रोड पे बोलते रहते हैं। ये बिहार है, बिहार में उड़ती हुई चिड़िया को के हल्दी में पंख लगा करके भेज दिया जाता है। और साहब, आप बात करते हैं, आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि मनीष कश्यप ये एक यूट्यूबर्स का काम होता है कि कहीं भी अगर कुछ गलतियाँ हैं तो आप MCBC पे उतरेंगे, अभद्र गालियाँ बकेंगे। साहब, मैं जब से मनीष कश्यप का विरोध करना शुरू किया हूँ, मैं विरोध इन द सेंस कि डंके की चोट पे कर रहा हूँ मैं, कि आप जेल से निकलते हैं और नाथूराम गोडसे के समाधि पर जाना चाहिए था ना, आप कहाँ जाते हैं? दशरथ मांझी के समाधि पे। अब दर्शाना क्या चाह रहे भाई? संघ भाजपा की सारे पे काम कर रहे हैं, जो खुलेआम कर रहा है कि मैं ये नाथूराम गोडसे मेरा आदर्श है, दीनदयाल उपाध्याय ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी है, तो वो कैसे भाजपा को दहाड़ सकता है? आपको बता दूं कि ये मनीष कश्यप जैसे लोग बिहार के नाम पे, बिहारी के नाम पे कलंक है। आपको बता दूं, एक बिहारी पुत्र का दिल्ली के मंगोलपुरी में हत्या हुई थी, वहाँ पे उसका भाई 10 दफा मनीष कश्यप को फ़ोन किया, लेकिन मनीष कश्यप फोन तक नहीं उठाया, वहाँ जाने का वो कवरेज करने का काम नहीं किया, इसलिए कि वो दलित का हत्या था। ये मनीष कश्यप की बात कर रहे हैं। मैं मनीष कश्यप का विरोध किया, बहुत सारे संघी लोग, मुझे दिल्ली से फ़ोन आया, कहा कि भैया आप मनीष कश्यप का समर्थन दे रहे हैं कि आप विरोध कर रहे हैं? हम बोले कि मैं विरोध कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा समाज, मेरा बहुजन महफूज नहीं है उसके नेतृत्व में। तो उसने कहा कि नहीं भैया, ऐसा मत कीजिए, आप जो चाहिएगा वो। राजकुमार पासवान बिकाऊ नहीं है, टिकाऊ है, और मुझे मेरे पार्टी फंड के लिए 5 करोड़ रुपया का ऑफर आया, समझे? तो ये तो संघ के एजेंट है, दलाल है मनीष कश्यप जैसे लोग, और ऐसे एजेंट लोग बहुत सारे बिहार में 700 रुपए चैलेंज कर रहे हैं। आप उनकी पुरानी वीडियो उठा के देख लीजिए, वो भाजपा को भी टारगेट किए हैं, बहुत सारे मुद्दे पे सवाल किए, उन्होंने तो उन पे केस नहीं किया, लेकिन जैसे ही तेजस्वी पे वो कटाक्ष किए हैं, उन्होंने उस पे केस कर दिया और कह रहे हैं कि बिहार में लोकतंत्र का हत्या होते जा रहा है। मनीष कश्यप का वो लोकतंत्र नहीं दिख रहा है अभी। अगर वाकई में सन ऑफ बिहार अपने आप को कहता है, तो भैया 143 सांसदों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है, और वहाँ पे IPC, CRPC, भारत का संविधान सब बदल दिए गए हैं, कानून को कमजोर कर दिया गया, उस पर मनीष कश्यप की चुप्पी क्यों है? मनीष कश्यप की चुप्पी क्यों है? ये लोकतंत्र की हत्या अगर भाजपा वाले करे तो सुभान अल्लाह, और हम करे
तो करेक्टर ढीला। तो हम तो यहाँ पे नौकरी बांट रहे हैं, हम तो बिहार को उन्नत प्रदेश बना रहे हैं, हम तो पंजाब और दिल्ली पंजाब हरियाणा से बिहार को आगे ले जा रहे हैं। तो इनकी पेट में दर्द हो रही है, पहली बार चुनाव लड़ रही है तो इनकी जमानत जब्त हो गई, और अब ये चाहते हैं कि हम बैठे बैठे यूट्यूबर्स फॉलोवर्स के बल पे हम बिहार का मुख्यमंत्री बन जाएं। आप अनिल कपूर, आप नायक फिल्म के अनिल कपूर नहीं है भाई मनीष कश्यप, अनिल कपूर भी उस फिल्म में एक सभ्य जेंटलमैन के तरह सवाल किया, सवाल कीजिए। लोकतंत्र में अधिकार बनता है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है आपका, आप बोलिए। हम भी सवाल करते हैं मोदी से, नरेंद्र मोदी साहब से, इसका मतलब क्या कि हम गाली बकेंगे, हम एक टारगेट करेंगे? चिराग भाई से भी सवाल करते हैं लेकिन मुद्दे पे। वो साफ तौर पे ये भी कहते हैं कि नीतीश कुमार से उनसे कोई नाराजगी नहीं है क्योंकि वो 17 साल से उनपे भी आवाज उठा रहे लेकिन कभी उन्होंने उस पर केस नहीं किया, लेकिन तेजस्वी पे 4 सवाल कर दिए और उस पर केस कर दिए। मतलब आप करें तो ठीक है, अगर वो सवाल कर देते हैं तो गलत है, कहाँ की बात है। ये जेल गए जरूर लेकिन अभी इनके साथ 3rd degree 4th degree इस्तेमाल नहीं हुआ है, उसके लिए ये ज्यादा बेचैन है कि और मुझे हेल्प मिलेगा और हम जेल में जाएं फिर से। तो अब बिहार सरकार बेवकूफ़ी नहीं करने वाली है। बहुत लोग चिल्ला रहे हैं मोदी के हनुमान, मोदी का बानर, मोदी का भालू, मोदी का गिलहरी, मोदी का चूहा, बहुत लोग यहाँ बिहार में हल्ला कर रहे हैं, एजेंट बन करके बिहार घूम रहे हैं। बिहार को तो बोले कंच की सरकार है, अभी जेल से निकले भी नहीं है कि वो साफ तौर पे कह रहे कि जब वो जेल पे थे तो साजिश किया जा रहा था कि जब वो बाहर निकलेंगे तो फिर से जेल भेज दिया जाएगा, तो ये कहां की बात। आपको पता है कंस की कौन सरकार है बिहार में? जंगल राज कह रहे हैं, जंगल राज 2 की बात लीजिए ना। नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, संघ, भाजपा से बड़ा कोई जंगल राज नहीं चला रहा देश में। देश में जंगल राज चला रहा है संघ, RSS और भाजपा वाले लोग। माला घुमा घुमा करके एक खास वर्ग जाति को कहता है क्या कि पाकिस्तान भेज देंगे। अरे भैया, और क्या कहते हैं हलाला, और क्या कहते हैं उस पे झटका, हलाला और झटका पे ये लोग देश को समाज को बांटने वाला। सबसे ज्यादा हलाला और झटका का मीट खाता है तो संघ के लोग, भाजपा के लोग, ये नागपुरी संघी दलित लोग, और जितने ब्राह्मण है ना वो हर एक तरह का मीट खाते हैं, मीट मछली खाते हैं, और आप दोषारोपण करते हैं। तो मनीष कश्यप एक छोटा सा प्यादा है RSS संघ का। ऐसे लोग बिहार में कुछ भी उलझुल बोलते रहेंगे, मुझे साथ मिलके काम करना है, बिहार को उन्नत प्रदेश बनाना है। एक परिवार से मनीष कश्यप को बाहर निकलना चाहिए और अपना विजन को रखना चाहिए कि नीतीश कुमार से बेहतर हम बिहार को कौन सा मॉडल देंगे। बस तो क्या लग रहा है, वो बोल रहे हैं कि मैंने सबका वीडियो जो रखा है, कौन RJT के पास खड़े होके मेरा विरोध कर रहा था, तो ऐसे में क्या लगता है अब क्या चेंजेस होने वाला, क्या बदलाव? सुनिए, मनीष कश्यप को डंके की चोट पे कहता हूँ कि मैं RJT के बगल में तुम्हारा विरोध कर रहा हूँ, तुम मेरी जितनी गोदी, मतलब तुम मेरी जितनी गोभी खोदना है खोद के दिखा दो, चुन चुन के बदला। अरे चुन चुन के, मैं चुन चुन का तुम्हारा एक्सपोज करूंगा, मैं वीडियो रिकॉर्डिंग रखा हुआ हूँ, मैं आ जाओ मैदान में, और मैं हाजीपुर से लोकसभा का चुनाव भी लड़ रहा हूँ, आ जाओ, दम है तो हरा के दिखा लेना। ये चंद मुट्ठी भर लोग हमारी ताकत को जो कमजोर करना चाहता है वो कभी कमजोर, बहुजन का ताकत कभी कमजोर नहीं हो सकता। एक आखिरी सवाल पूछूंगी, क्या उन्होंने ऐसा गुनाह किया था जिसके वजह से उनको इतना साल जो मतलब जेल में रखना पड़ा, क्या ये आपको सही लग रहा है? देखिए, जेल में रखना पड़ा वो संविधान, तो मैंने तो कोई क्राइम नहीं किया। देखिए, कानून अपने नजरिया से देखती है और कानून अपना काम करता, जो IPC CRPC में प्रोविजन होता है, फाइंडिंग होती है, वो फैक्ट फाइंडिंग के अनुसार अगर दोषी है कोई तो जेल जाना पड़ेगा। और अभी ये 9 लाख के बेल पे आए हैं, कोई इनके मित्र वीडियो जारी करके कह रहे थे कि 9 लाख के बेल बॉन्ड भर करके बाहर निकले हैं, तो सोच लीजिए कि अभी भी मामला क्लियर नहीं है, फिर से जेल में जा सकते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजकुमार पासवान जी थे। मनीष कश्यप बाहर निकलते हुए जिस तरीके से बातें कर रहे थे, तमाम बातों में राजकुमार पासवान जी ने टिप्पणी की, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं। तमाम खबरों के लिए बने रहे उल्टा चश्मा के साथ। मैं फरहत अफसा, पटना।